मरीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है आलू चना चाट। तो आलू चना चाट बनाने के लिए पहले हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। बहुत ही ईजी, बहुत मज़े की बनती है ये। जो सॉस मैं आपको बनानी सिखा रही हूँ, ये आप यूज़ कर सकते हैं, दही बड़ा में भी यूज़ कर सकते हैं, चाट में भी यूज़ कर सकते हैं और आलू चना चाट में भी। तो प्लीज़, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर बेल आइकन है, उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी रेसिपी अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये टोटली फ्री है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ली है इमली, ये मैंने ली है 100 ग्राम, और इसके सीड मैंने निकाल ली है और 1 कप पानी में मैंने इसको भिगो दिया था। ये इसमें डाल देंगे हम, 1 कप पानी का ऐड कर लेंगे। जो इसमें स्पाइसेस यूज़ होंगे बहुत ही ईजी हैं, घर में इजीली अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे शुगर यानी चीनी 1 टेबल स्पून। यहाँ पे है मेरे पास जीरे का पाउडर 1 टीस्पून। इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्चें पीसी हुई 1/2 टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्चें 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका, यहाँ पे अदरक पाउडर है 1/4 टीस्पून। इनको मिक्स कर देते हैं और इसको कुक होने के लिए रख देते हैं 15 से 20 मिनटों के लिए। इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं कुक होते, अब मैंने इसको बंद कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ये ठंडा होगा इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा हो गया, अब इसको मैंने जग में डाल दिया और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने दही लिया तकरीबन 2 कप। इसके अंदर हम जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो आप देख लें। यहाँ पे है रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक भी 1/2 टीस्पून, यहाँ पे ज़ीरा 1 टीस्पून। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी लेनी है तो आप इसमें और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे है मेरे पास लेमन जूस 1 टेबल स्पून, और ये इमली का जो हमने बनाई हुई थी चटनी वो इसमें ऐड करेंगे। फोर टी स्पून मैंने इसमें ऐड किए और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटी हुई प्याज और साथ ही टमाटर, और यहाँ पे धनिया मेरे पास 2 उबले हुए आलू, 2 मैंने दिए हैं दरमियाने साइज के। यहाँ पे 1 कप मेरे पास उबले हुए चनों का, वाइट चने मैंने लिए। मैं ऐड करूँगी सब्ज मिर्चें, ये मैंने 2 ली हैं। तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छी लगती हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। एक ही बनती है ये चाट। ये देखिए, आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत इजी आलू चना चाट रेडी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ईद पे बनाइएगा, रमज़ान में, ये वैसे भी आप कभी भी बना के इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की है। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।